और भी ग्रुप खड़ा होता है। मेन फोकस हमारा प्लास्टिक गार्बेज पे। आज हम यहाँ तालाब की सफाई करने आए हैं और जेएमसी के हमारे जो मेयर जी हैं वो भी यहाँ प्रेजेंट और कॉर्पोरेटर्स भी हैं एरिया के, और हम दिशा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पे तालाब की सफाई करने के लिए हैं, और सेवा फाउंडेशन है हमारे विकास जी की, तो इनके भी वॉलंटियर यहाँ पे आए हुए हैं। आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि हमने एक नई टेक्निक निकाली है जिससे हम बॉटल्स के ज़रिए उसको बाहर निकलता है जो भी कचरा है हमारा। तो मेरा लोगों से यही एक संदेश है लोगों के लिए कि आप अपने घर से ही कचरा बाहर ना जाने दीजिए, कि जो मिक्स हो गया आप पूरा सेग्रीगेट करिए उसे, ना तालाब में फेंकिए ना किसी में, प्रॉपर एक जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक में जाए, जो वेट वेस्ट है वो वेट में जाए। छन्नी रामा में ये जो तालाब का नाम प्राचीन नाम है चीखी तालाब के नाम से जाना जाता है, जहाँ आज एक बहुत अच्छा काम जिसको मैं कहूँगा पूरे देश में इस तालाब को साफ कर रही है ये दिशा आर्मेशन हैं। नौजवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, अलग अलग विभागों में काम करते हुए आज इस तालाब को इन्होंने साफ़ किया। इस तरह कई तालाब इन्होंने साफ़ किए हैं और स्वच्छता की तरफ ये लोग चल रहे हैं। मैं देख के हैरान रहता हूँ जब ये तवी के किनारे या और कहीं जो बच्चे दिन को धूप में भी ये लगे रहते हैं, जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं क्या उनमें प्रेरणा है, क्या विचार लेके वो चल रहे हैं। जिस तरह इस तालाब को इन्होंने साफ़ किया, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है ये कोई बाहर की नहीं, ये अपने घर की, मैं कहूँगा ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी खुद इन्होंने विकसित करके इस तालाब को जितना इसका ऊपर का गार्बेज था या बॉटल जो भी चीज़ सबको कलेक्ट करके यहाँ निकाला है।